हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अलजेब्रा के क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी प्रीवियस ईयर कैट के, तो जिसमें हम तीन पार्ट ले चुके हैं, जिसमें कैट 1993 तक के क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कैट 1994 के क्वेश्चंस कवर करेंगे। और जो भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल में जाके बाकी पिछले वीडियो भी देख सकते हैं और कैट 2017 के सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और चैनल में हमने कैट 2018 के लिए स्ट्रेटजी भी एक बार डिस्कस की थी, तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो अगर जिन लोगों को वीडियो से काफ़ी बेनिफिट हो रहा है तो वो अपने फ्रेंड्स को भी बताएगा और उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा चैनल को। तो आज का सेशन चालू करते हैं। अच्छा, तरीका वही रहेगा, पहले आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके खुद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। और सॉल्यूशन में भी ध्यान दीजिएगा कि आपका तरीका छोटा था कि नहीं था। तो इनकेस आपका जो मेथड होगी अगर वो लेंदी होगी तो सॉल्यूशन देख के आप उसकी शॉर्ट ट्रिक नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी अभी तक हमने कैट चालू किए हैं सबमिट सेट थ्योरी का एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। घोष बाबू इज स्टेइंग एट घोष हाउसिंग सोसाइटी, अ घोष कॉलोनी, दी घोषपुर, कोलकाता। इन घोष हाउसिंग सोसाइटी 6% रीड डेली गणशक्ति एंड 4 आनंद बाजार पत्रिका, ठीक है। किसकी बात कर रही है? घोष हाउसिंग सोसाइटी की। इसमें क्या हो रहा है? गणशक्ति कितने लोग पढ़ रहे हैं? 6। और आनंद बाजार पत्रिका कितने लोग पढ़ रहे हैं? आनंद बाजार पत्रिका 4 लोग, ठीक है। इन दिस कॉलोनी देर इज नो पर्सन हु रीड्स बोथ, ठीक है। तो ये बीच वाली वैल्यू जो होगी क्या हो जाएगी? 0। तो खाली जनशक्ति वाले कितने आ जाएंगे? 6। और आनंद बाजार पत्रिका वाले कितने हो जाएंगे? 4, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड दिस टू न्यूज़पेपर इन अ घोष कॉलोनी, अच्छा अघोष कॉलोनी में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने जो पढ़ रहे हैं? 52। और दिघोषपुर में कितने हैं? 200। दिघोषपुर में कितने हैं? 200, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ पर्सन हु रीड जनशक्ति इन अघोष कॉलोनी एंड दी घोषपुर इज 33 एंड 121, ठीक है। तो ऐसा इसमें भी बना लेते हैं। इसके लिए जनशक्ति और एबीपी और इधर इनके लिए देख लेते हैं, इधर एबीपी और जनशक्ति, ठीक है। तो जनशक्ति का क्या बता रहे हैं? ऊपर वाले में कितना है? 33 और नीचे कितना है? 121, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ ऐसे ही लिखते जा रहे हैं जो भी दिया हुआ है। उसके बाद आनंद बाजार पत्रिका क्या बता रही है? ऊपर कितना है? 32, इधर कितना है? 32 और नीचे कितना दिया हुआ है? 117, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछें तो पहले ये सेट कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, टोटल 52 है, इधर देखें तो 33 प्लस 32 कितना हो गया? 65। 65 में से 52 अगर माइनस हो गए तो कितना आएगा? 13। मतलब ये 13 लोग दोनों पेपर पढ़ रहे होंगे, है ना, अघोष कॉलोनी में। अब इस पूरे सर्कल की वैल्यू देखें तो 33 माइनस 13 कितना आ गया? 20। और इधर से देखें 32 माइनस 13 कितना आ जाएगा? 19, ठीक। ऐसे ही नीचे कर लेते हैं। वन ट्वेंटी पन वन प्लस 117 कितना हो गया? 238। 238 है लेकिन टोटल तो 200 ही लोग थे, मतलब कॉमन कितने लोग होंगे? 38। अब 121 में से 38 माइनस कर देते हैं कितना आएगा?
83, और इधर 117 में से 38 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 79। तो ये भी जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी उससे इतना चार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये लोग क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स इन द गोशपुर हु रीड्स ओनली जनशक्ति कितना है, ये दिख रहा है ये रहा 83। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 83। सेकंड पढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स इन अघोष कॉलोनी हु रीड्स बोथ ऑफ दिस न्यूज़पेपर, अघोष कॉलोनी के बोला ये 13 देखिए बीचों बीच लिखा हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 13। थर्ड, नंबर ऑफ पर्सन अघोष कॉलोनी हु रीड्स ओनली वन पेपर, ओनली वन पेपर कितना हो जाएगा, ये 20 और ये 19, 20 प्लस 19 39, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 39। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखिए 5 मिनट में पूरे 3 क्वेश्चन हो गए, तो सेट थ्योरी अपना अच्छे से कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था। अगला देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, लॉग बेस 7 एंड लॉग बेस 5 अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो अगर ध्यान दें तो इस वाले लॉग के अंदर ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तभी लॉग 1 0 हो पाएगा, और अगर ये 1 चाहिए तो अंदर की ये जो वैल्यू लिखी हुई है रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स, ये क्या होना चाहिए 5, ताकि ये 5 हो, बेस में भी 5 होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से अच्छा रहता है कि आप मन से एक्स की वैल्यू रख के देख लीजिए 1, 2, 3, 4, और वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिससे ये कंप्लीट रूट सॉल्व हो जाए। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर हम x की जगह 4 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 9, रूट 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और रूट 4 क्या हो जाएगा 2, 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5, यही चाहिए था। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। मैंने जैसा कि आपको पिछले सेशंस का भी बताया हुआ था कि हमने जानबूझ के ऑप्शंस हटा दिए, क्योंकि अब जो कैट आते हैं उनमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शन नहीं होते, तो जानबूझ के हमने कई क्वेश्चन के इसमें ऑप्शन हटा दिए थे, और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि बिना ऑप्शन के ही सॉल्व करें। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी 0 है और a इज़ नॉट इक्वल टू b एंड b इज़ नॉट इक्वल टू c, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी थी। ठीक, अच्छा, इन क्वेश्चन का भी सबसे अच्छा तरीका होता है बिल्कुल सॉल्व ना किया जाए, जैसे ए बी सी 0 दिया हुआ है तो हम क्या करें, ए को 1 मान लेते हैं, बी को 2 मान लेते हैं क्योंकि इक्वल नहीं मानना है, और तीनों का टोटल अगर 0 है तो ए 1 हो गया, बी 2 हो गया, तो इनका टोटल क्या हो गया 3, सी को मैं -3 मान लेता हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 0। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं इधर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर मतलब 2 प्लस बी सी, 2 बी सी कितना हो जाएगा -6, तो 2 माइनस 6 के इतना हो जाएगा -4, तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी -1/4, प्लस दूसरा करते हैं बी स्क्वायर मतलब 4 अपॉन 2 बी स्क्वायर मतलब 4 2 सा 8 प्लस सी ए, सी ए मतलब -3, तो 8 -3 क्या हो जाएगा 5, प्लस सी स्क्वायर मतलब 9 अपॉन 2 सी स्क्वायर यानी 3 9 2 सा 18 प्लस 2 20। सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम में क्या आ जाएगा 20, ये आ जाएगा -5 प्लस 16 प्लस 9। ठीक, तो 9 माइनस 5 4, 16 प्लस 4 20, 20 बाई 20 क्या आ जाएगा 1। तो देखिए कितना आसान था क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर क्या हो जाएगा 1। 6th देख लेते हैं, इफ 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज 4, वेल द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। देखिए अब इसमें पहली इक्वेशन तो जबरन दे दी इन्होंने, अब क्यों पूछा है तो हम पहली इक्वेशन को सॉल्व ही क्यों करें, तो कई बच्चे क्या होते हैं वो जबरन पी की वैल्यू भी निकालते बैठ जाते हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पी पूछा ही नहीं है तो आप पहली इक्वेशन पर ध्यान ही मत दो, सेकंड पे सीधे ध्यान देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्यू इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स बोल रहा है, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, इसमें सॉल्व कर लेते हैं बी स्क्वायर मतलब 49 इज इक्वल टू 4 इंटू ए तो 1 है इंटू सी क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 49/4, यही पूछी थी, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा 49/4। 7th देख लेते हैं,
ये फंक्शन का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन दिए उससे। एम डी एक्स का मतलब बोल रहे हैं कि क्या है, मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स लिखा हुआ था, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। एम डी एक्स मतलब मॉड एक्स। एम एन एक्स वाई का मतलब बोल रहे हैं मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, एक्स और वाई में जो भी मिनिमम होगा वो लेना है। एम ए बी सी का मतलब है ए बी सी में जो भी मैक्सिमम होगा वो लेना है। तो सेवन्थ में इस पूरे की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। एम ए ब्रैकेट में एम डी ए मतलब ए का मॉड लेना है। ए क्या है, माइनस टू, माइनस टू का मॉड ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, टू। फिर बोल रहा है एम एन एम डी बी कॉमा ए। एम डी बी मतलब माइनस थ्री का मॉड क्या हो जाएगा, थ्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री। और ए, ए क्या है, माइनस टू। अब इन दोनों की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस टू, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, माइनस टू कॉमा। थर्ड में ये पूरा देख लीजिए, ए बी, ए बी मतलब थ्री टू ज़ा सिक्स, ठीक है, कॉमा एम डी ए सी, ए सी कितना हो जाएगा, फोर टू ज़ा एट, माइनस एट होगा, मॉड लेंगे तो एट हो जाएगा। अब बाहर क्या लिखा हुआ था इनके मिनिमम, तो सिक्स और एट में मिनिमम क्या होगा, सिक्स। तो फाइनली तीन कॉमा की वैल्यू क्या आ गई, टू, माइनस टू एंड सिक्स। अब ओवरऑल बाहर क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम इसमें से लेना है, तो इन तीनों में मैक्सिमम क्या होगा, सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स। काफ़ी आसान था। अच्छा, कई बच्चे क्या होते हैं ऐसे क्वेश्चन देख के ही छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन फंक्शन के दिखने में ही सिर्फ टफ होते हैं लेकिन होते काफ़ी आसान हैं, तो इनको अटैम्प्ट जरूर किया कीजिएगा। इसी एट्थ देख लेते हैं। एट्थ में क्या बोल रहा है, अगर ए बी से बड़ा है देन द रिलेशन एम ए, ब्रैकेट में क्या है, मॉड ऑफ ए, मिनिमम ऑफ ए बी। मिनिमम ऑफ ए बी में अब साफ दिख रहा है कि ए अगर बी से बड़ा है तो इधर मैं बी ही लूँगा, ठीक। अब इसको और सॉल्व करूँ तो एम ए मॉड ए कॉमा बी, इसमें मैक्सिमम लेना है। अगर ऊपर दिया हुआ है कि ए बड़ा है बी से, तो इस ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ए। तो पहले एल एच एस को सॉल्व करके हमारा क्या आ रहा है, मॉड ए। आगे देख लेते हैं आर एच एस में क्या लिखा हुआ है, मिनिमम ए कॉमा एम डी एम ए एंड बी। एम ए एंड बी यानी ए और बी में मैक्सिमम कहा हुआ है ए। अब ए के बाहर लिखा हुआ है एम डी, यानी ए का क्या लेना है मुझे, मॉड। अब ए कॉमा मॉड ए, अब इसमें बाहर लिखा हुआ है इन दोनों में मिनिमम लेना है, तो ए और मॉड ए में मिनिमम क्या होगा, ए। अगर ए नेगेटिव होगा तो सीधे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगी। अब ये बोल रहा है कि ये कंडीशन कब ट्रू नहीं होगी, डज नॉट होल्ड बोल रहा है। अगर पॉजिटिव ए है तो ये कंडीशन होल्ड होगी, और अगर पॉजिटिव ए नहीं है तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो एट में देख लेते हैं चारों ऑप्शन में कि ए ग्रेटर देन ज़ीरो किस किस में है और किस किस में नहीं है। तो जिसमें भी ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा वो सब आंसर होंगे, और जिसमें ए लेस देन ज़ीरो होगा वो आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन में भी ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, डी ऑप्शन में भी ए ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो गलत कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो एट्थ क्वेश्चन में हमको फॉल्स वाला ही बताना था, तो एट्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ए। आई होप क्लियर हुआ होगा। नाइन्थ देख लेते हैं। नाइन्थ लॉजिकल में क्वेश्चन आता रहता है, इट टेक्स द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक 7 seconds टू स्ट्राइक 4 o'clock। अच्छा, 4 o'clock को स्ट्राइक करने में कितने सेकंड लग रहे हैं, 7 seconds। देखिए क्लॉक में कितनी बार स्ट्राइक करेगा, 4 o'clock में गैप कितने होंगे, 4 बार होगा, मतलब 1 2 3 4। अच्छा, इनके बीच में गैप कितने, 3। मान लेते हैं एक गैप में जो टाइम लग रहा है वो एक्सेस सेकंड्स का लग रहा है, तो टोटल कितना टाइम होगा, 3 एक्सेस सेकंड्स का, जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 7। तो यहाँ से एक्स क्या आ गया, 7/3, मतलब एक गैप जो होगा उसका टाइम क्या होगा, 7/3 seconds। अब अगर 11 o'clock की बात करें तो 11 o'clock में पूरी क्लॉक को कितना टाइम लगेगा स्ट्राइक करने में, 10 gap होंगे, यानी 10x, और x के लिए क्या, 7/3। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 70/3। 70/3 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23.33 seconds। तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 23.33 seconds। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। टेंथ क्वेश्चन, लॉग बेस 6, ऊपर दिया हुआ है 216, 216 होता है 6 cube इंटू रूट 6। अच्छा, इंटू होता है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम हो तो 3 + 1/2। अब लॉग में क्या प्रॉपर्टी होती है, बेस भी सेम हो और ये भी सेम हो तो जो पावर होगी वही आंसर हो जाएगा।
तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 + 1/2 मतलब 7/2। ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी आसान मैथ्स थी कैट 1994 की। बस आपको लॉग वॉग इन सबके बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा आ गया क्वेश्चन, उसमें भी 11, 12, 13, 14 चार क्वेश्चन इसमें और दो अभी पीछे किए थे, टोटल 6 क्वेश्चन फंक्शन के आ गए। ध्यान रखिएगा फंक्शन से कैट में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अब देख लेते हैं, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 2x + 3। जी एक्स क्या दिया हुआ है, x - 3/2। तो एफ ऑफ जी एक्स अगर निकालना हो तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ में एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू लिख दूंगा, तो 2 × क्या हो जाएगा, x - 3/2 + 3। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 हो जाएगा, तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x। चारों ऑप्शन देखेंगे x कहीं भी नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी अगर मुझे अब यहीं से दिमाग लगाना है तो देखिए a हो नहीं सकता, c हो नहीं सकता, d हो नहीं सकता, बचा क्या, b। तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा, b। फिर भी g ऑफ एफ एक्स को सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये x आ रहा है कि नहीं। g ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, x, x की जगह क्या लिख दूंगा, 2x + 3 - 3/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2x/2 क्या आ जाएगा, x। तो f ऑफ जी एक्स और g ऑफ एफ एक्स दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, x। अब 12th में क्या लिखा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस 3। अच्छा एफ एक्स क्या दिया हुआ था, 2x + 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x + 3। जी एक्स क्या दिया हुआ था, x - 3/2। तो इधर x - 3 में x की जगह x - 3 दोबारा लिख दूंगा, क्योंकि g ऑफ x - 3 पूछा है। सॉल्व कर लेते हैं तो 4x + 6 इज इक्वल टू x - 6। यहाँ से क्या आ गया, 3x - 12, देन x - -4। तो क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर क्या हो जाएगा, -4। 13 देख लेते हैं, वॉट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। पहले अगर इतने पार्ट को सॉल्व करें तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जी ऑफ एफ एक्स या एफ ऑफ जी एक्स की जो वैल्यू होगी वो एक्स होगी। तो देखिए पहला अगर सॉल्व करेंगे जी ऑफ एफ एक्स वो एक्स आएगा, फिर दूसरा एफ ऑफ जी एक्स फिर से हो जाएगा वो भी एक्स हो जाएगा, फिर जी ऑफ एफ एक्स वापस से एक्स हो जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स। ऐसे यहाँ पे भी एफ ऑफ जी एक्स ये भी एक्स होगा, अब जो एक्स आएगा उसके साथ एफ ऑफ जी एक्स वापस से एक्स हो जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, x². आई होप क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 की हेल्प ली थी, क्योंकि हमें पता था एफ ऑफ जी एक्स क्या होता है, एक्स, और इधर जी ऑफ एफ एक्स भी क्या होता है, एक्स। तो बार बार अगर एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स कितनी भी बार आ जाए उनकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, एक्स। तो ऐसा एक्स दो बार आ रहा है तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x². तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, x². आगे देखते हैं, 14th देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान था कैट 1994 का। अभी तक जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियो बने उसमें सबसे जल्दी इसी का सॉल्यूशन हुआ है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर कैट में अलजेब्रा के सेम ही थे। इसको देख लेते हैं, इसको पहला जी ऑफ एफ एक्स करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्स। फिर एफ ऑफ जी एक्स वापस से करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। फाइनली क्या बचेगा, एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है ऊपर, 2x + 3। तो 14th का आंसर क्या हो जाएगा, सी, 2x + 3। आई होप आपको आज का वीडियो भी समझ में आया होगा। तो अभी तक अब हमारा कैट 1994 तक के हमने अलजेब्रा के क्वेश्चन कर लिए हैं, और आगे के वीडियो में हम 95 से लेके अभी तक और भी जितने क्वेश्चन हो चुके हैं अलजेब्रा के कैट में आ चुके हैं वो सब कवर करेंगे, और हर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसमें बताइए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल पे, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ कैट के पहले।